आपके आ जाने से यहाँ पर क्या कहा जाए, वेदिका और साहिल ये बार बार मिलते हैं, बार बार बिछड़ते हैं, लेकिन इनकी सरप्राइज डेट नहीं खत्म होती। जी हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन इनका रोमांस जारी है और रहना ही चाहिए। और लीजिए, सरप्राइज डेट में इनको सरप्राइज भी मिल गया, एक्सीडेंट हो गया। छोटे से लीव के बाद साहिल ने वेदिका के लिए यहाँ कुछ सरप्राइज भी प्लान किया था। एक तो ये रोमांटिक डांस और दूसरा उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करता है, जैसे कि एक सरप्राइज, एक स्पेशल लंच एट अ स्पेशल प्लेस जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वेदिका और साहिल है, और एक छोटा सा डांस। और दूसरा सरप्राइज होते होते ही मेरे ख्याल से एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद के गाने मुझे पता नहीं है, बट फिलहाल यही चालू है। फिलहाल साहिल तो वेदिका को दूसरा सरप्राइज नहीं दे पाया है। देखते हैं इस एक्सीडेंट के बाद इन दोनों के साथ और आगे क्या होता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एक्टर्स की दुनिया कितनी ग्लैमरस दुनिया लगती है ना, ऐसा लगता है कि बस लाइफ में इनके सब कुछ कितना अच्छा होगा, लेकिन यकीन मानिए किसी भी किरदार को एक्चुअल में रियल लाइफ फील देने के लिए इन अभिनेताओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज चलिए आपको दिखाते हैं, लिए चलते हैं सीरियल इश्कबाज के पर्दे के पीछे। शिवान सिंह ओबेरॉय अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, कुछ दिनों का हमारा मतलब है दो तीन दिनों का ही मेहमान है, और इस दो तीन दिनों के भीतर ही उसे वरुण की सच्चाई सबके सामने लानी है और खुद को बेकसूर साबित करना है। अब मुझे समझ आया कि वरुण मेरी शादी क्यों करवाना चाहता है। मेरी विल में एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी पत्नी को जाएगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो वो सारी जायदाद एक ट्रस्ट में जाएगी जो राधिका के नाम से बनी है। वरुण चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि उसे शायद लगा कि फ्यूचर में वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, और जैसे ही हमारी शादी हुई इसलिए उसने उसने मुझे मरवाने की कोशिश की।
आप सबको ये बताने के लिए कि शिवांश के पास केवल 2-3 दिन की ही मोहलत है। जरा देखिए ये कितनी भारी और कितनी कड़क एक्टिंग करनी पड़ी शिवांश सिंह ओबेरॉय को। इस सीन को ओके करने के लिए खांसने के भी कितने तरीके होते हैं। शिवांश की इस एक्टिंग को देखकर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ये सीन एकदम असल वाला हो रहा है। पहले एक बार खांसी आई तो नकुल को खुद ही वो सीन ठीक नहीं लगा, फिर उसके बाद दोबारा नकुल ने सीन दिया और तब कहीं जाकर इस सीन को हरी झंडी मिल गई। और अब इतना तो तय है कि मन्नत ने जो गोलियां शिवांश को दी है उसे खाने के बाद उसकी हालत बेहतर हो गई है और अब वो वरुण को पकड़ने वाले मिशन पर निकलेगा। अब ये शो जल्द ही बंद होने वाला है, ये कहानी को भी तो पूरा करना जरूरी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया की खास खबर, तो आइए देखिए एक नजर। आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। आप तो मर गई थी ना? नानी है, नानी, नानी है। एक बार फिर आ गई है जीजा जी की नानी, वही नानी जो अब तक जाने कितनी बार मर चुकी है और बार बार जिंदा होकर वापस आ जाती है। अरे आप भागो, वो आप तो मर गई थी ना? हमारी बस पहाड़ी से खाई में गिर पड़ी थी बेटा, गिरने से पहले अचानक दरवाजा खुल गया और मैं उसमें से बाहर गिर गई। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। इसमें बेसिकली जो ललित अंकल हैं वो नानी बन के बार बार आ रहे हैं, किसी हम होली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नानी जी को जिंदा करके, कभी मार के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। तो तीसरी बारी जो नानी जी हैं वो मर के दोबारा जिंदा होके आई हैं, तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। हमें किसी तरह से होली एक साथ बनानी और सेठ जी बाहर जाने की बात करें तो बस यही चल रहा है। अब दरअसल बार बार नानी के जिंदा होने के पीछे इलायची और जीजा जी की होली है और ये सारा ड्रामा इलायची का बनाया हुआ है। अब सेठ मुरारी लाल अपनी साली के साथ होली मनाने मेरठ जाना चाहते हैं, लेकिन इलायची जीजा जी के साथ होली खेलना चाहती है। हाँ, मतलब जब उन्होंने साली के साथ बोला तो मतलब हमारा प्लान कैंसिल हो गया ना, तो अब इलायची जी को साथ में उनके जाना पड़ेगा मेरठ में होली मनाने के लिए और वो हम चाहते नहीं, और हम चाहते हैं कि एक साथ बने, तो हम सबका मूड काफी ऑफ है। अब नानी के आने के बाद कंफ्यूजन तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन असली मजा तो होली पर आएगा। इतने ड्रामे के बाद भी इलायची अपने पंचम के साथ होली खेल पाएगी या नहीं, ये देखने का इंतजार रहेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। नानी? आप तो मर गई थी ना? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। रूप मर्द का नया स्वरूप, जी हाँ, इसमें रूप ने समाज के ठेकेदारों को तो चुप करा दिया, जी हाँ, अपनी बहन की दूसरी शादी करा के। लेकिन कई बार समाज को चुप कराना और उनको मनाना आसान होता है और घर वाले ही ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। अब इस शादी में रूप के पिताजी ही शामिल नहीं हुए, उम्मीद तो ये है कि जल्द ही रूप अपने पिताजी को भी मना ही लेंगे।
रुपेंद्र की सहमति से आज उसकी बहन जिग्ना की दूसरी शादी मुमकिन हो पाई है, जिसे वो चाहती है, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। आज वो उसका जीवन साथी बन गया है और ये सब रूप के नए विचार से मुमकिन हो पाया है। हर किसी को अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का या दूसरी जिंदगी शुरू करने का पूरा पूरा हक होता है, और इसलिए मैं जिग्ना बहन की शादी करवा रहा हूँ अनीश जी से, जिनसे वो बेहद प्यार करती है, और अनीश जी भी जिग्ना बहन से बेहद प्यार करते हैं। अब लड़की की शादी है, माहौल थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि यहाँ पर बाप जी नहीं आए हैं, वो जिग्ना की दूसरी शादी के खिलाफ थे। हाँ, दुख है। आप बताइए आपको कितना दुख हो रहा है कि हमारे ससुर जी नहीं आए हैं। घर का कोई मेंबर अपना आशीर्वाद ना दे तो दुख तो डेफिनेटली होता है। दुख तो होता ही है जब बड़ों का आशीर्वाद ना हो किसी भी शुभ कार्य में। और कुछ ऐसा ही सोचना इन गांव वालों का भी है जो यहाँ पर समाज के ठेकेदार बनकर आए हैं जिग्ना की शादी रुकवाने के लिए। अब रूप जानता था कि गांव वाले कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए तो उसने पहले से ही पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मुझे कुछ लगा था, कुछ एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं, बोलते ना कि हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़ंगा जरूर होता ही है, तो मुझे अनुभव था पहले इन लोगों का, पंचायत का पहले भी, कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ कुछ रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग आए हुए हैं और फिर मैंने इनको मीडिया से मुखातिब करा दिया, और फिर आपको तो पता है मीडिया की पावर क्या है आज तारीख में, तो लोग कुछ कर नहीं पाते उस चक्कर में। अब सीन में बाप जी नहीं है, सबको अफसोस है, लेकिन किंजल मैडम का तो कुछ और ही कहना है। दूल्हा और दुल्हन को भी दुख हो रहा होगा जितना कि हमें हो रहा है। लग तो रहा नहीं है, हंसे जा रहे इतने। बहुत खुश है, सेकंड शादी आफ्टर ऑल गोली वोली खाने के बाद शादी सक्सेसफुल हो गई है, और दूसरी शादी है तो हमारी जिग्ना ने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो फूले नहीं संभाल जा रही है। अरे भाई सही भी तो है, शादी का माहौल है तो ऐसे में सबको खुशी तो रहना चाहिए। जिग्ना के दुख भरे दिन बीत गए क्योंकि उसके भाई रूप ने उसकी जिंदगी में खुशियां ले आया है। हाँ, एक्चुअली जिग्ना की शादी ना बहुत मुसीबतों के बाद हो रही है, तो जिग्ना इज वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली बहुत मुसीबतों से लड़ने के बाद उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। नहीं, एक मौका ऐसा बीच में आता है जब वो बाप जी को मिस करती है, पर क्योंकि उसके साथ उसकी माँ है, उसके भाई है और ये किंजल है, इसलिए वो फिर वापस खुश हो जाती है सब लोगों को देख के कि एक नहीं है तो बाकी सब उसके साथ है। उसने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई है, इसीलिए तो इशिका मैडम उस पर जान छिड़कती है। देखिए ना, शादी के मंडप में भी उसे अपने पति पर कितना प्यार आ रहा है। ऑलवेज रूप इज अ गुड हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन, हर चीज़ में बेस्ट ही होता है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है। इनफैक्ट कन्यादान भी मुझसे करवाया पंडित जी ने, तो वो भी किया मैंने आज। अब कहते हैं ना कि अच्छा काम करना था सो कर दिया, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब बाप जी भी सारी बातों पे सहमति दे देंगे। रूप और घर वालों को उसी पल का इंतजार है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।